बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपना आई मेकअप क्रिएट कर सकते हो कुछ ही ब्रशेज के साथ, तो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होगा और आप इजीली सीख सकते हो। मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि सबसे पहले मेकअप को स्टार्ट करने से पहले हमें कोई भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना होता है अपने फेस पे। तो मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पे हिमालय का मॉइस्चराइज़र ले रही हूँ, जो कि है मॉइस्चराइजिंग स्किन क्रीम, और उसको मैं थोड़ा सा अमाउंट लूँगी अपने फेस पे एंड अपनी आईज़ पे इजीली अप्लाई कर लूँगी। गाइस एक्चुअली बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है, तो इसलिए मैंने अपना बन बनाया हुआ है और उसके बाद ही मैं आप लोगों को अपनी वीडियो आप लोगों को बता पाऊँगी। तो ओके, मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ विद डार्लिंग इज़ाबेलाज के कंसीलर से, और जो कि मैं अपने पहले आईलिड पे अपना अपनी आईज़ पे इसे फेस करूँगी। हमें हमेशा लाइट टू डार्क आई शेडो की तरफ जाना होता है और ना कि डार्क टू लाइट वाले आई शेडो की तरफ। तो मैं यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का एक ट्रांजेक्शन कलर लेके और अपनी पूरी आईलिड पे प्लेस कर दूंगी, और यहाँ पे ट्रांजेक्शन कलर मैं लूँगी ये वाला। आपको अपनी आईलिड पे ही प्लेस करना है, उसके ऊपर नहीं जाना है। ब्लेंडिंग पे हमेशा ध्यान देना है आपको। ये लाइट कलर मैंने प्लेस कर लिया है, उसके बाद मैं थोड़ा सा डार्कर शेड पे जाऊंगी। तो दो मेथड आपको बताऊंगी आई शेडो लगाने के लिए, तो एक साइड पे बताऊंगी, एक ही साइड पे बताऊंगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपको कोई भी आई शेडो, डार्क आई शेडो लेना है तो ऑन एंड ऑफ करना है, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, लाइक दिस। अगेन मैं अपनी दूसरी आईज पे जाऊंगी, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सर्कुलर मोशन में मूवमेंट करनी है अपनी आईलिड पे, लाइक दिस। तो नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी इसमें से एक थोड़ा डार्कर शेड, जो कि दिस वन है, और एक ब्लैक शेड करूँगी इसमें से। दोनों को मिक्स करके मैं यूज़ करूँगी यहाँ, और अपने इनर वी पे, सॉरी आउटर वी पे इसे प्लेस करूँगी। इसी टाइप से मैं अपनी दूसरी आई पे प्लेस करूंगी।
ओके, तो अब मैं इसे थोड़ा गिल्टी लुक दूंगी। तो उसके लिए पहले मेरे को बहुत लाइट शेड यूज करना पड़ेगा। यहाँ एक फ्लैट ब्रश थे, यहाँ पे एक क्रीम कलर है तो उसे यूज लूंगी और अपने आप इस टाइप का कोई आई शेडो पैलेट ले सकते हो। अभी आपको ये जो हार्श लाइन दिख रही है ना, तो इसे हम ब्लेंड कर लेंगे एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से। तो अभी ये मैंने फेस मेकअप नहीं किया हुआ है, इसकी वजह से पूरा आपको डस्ट ऑफ दिख रहा है ना। अगर ये फेस के ऊपर करती, लाइक बेस कंप्लीट करने के बाद ये मेकअप करती, तो पूरा मेरा मेकअप जो फेस का होता पूरा मैसी हो जाता। उसके बाद हम यूज करेंगे आईलाइनर। तो यहाँ मैंने लाइनर प्लेस कर लिया है अपनी आईज पे। इसके बाद मैं अपना फुल फेस का जो है डस्ट ऑफ कर लूँगी। और यहाँ अपना मस्कारा अप्लाई करूँगी। यहाँ मैं अगेन वैली मॉइस्चर का मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। मूव ऑन करूंगी अपने फाउंडेशन पे और थोड़ा सा फाउंडेशन अपने हाथ पे लूंगी। दैट्स इट। और इसे मैं एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से अप्लाई करूंगी। मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ये पूरा ब्लेंड कर लूंगी। ओके, तो मैं यहाँ पे ज्यादा यूज नहीं करूंगी कुछ भी। ब्लश के लिए मैं एक लिपस्टिक अप्लाई कर लूंगी। यहाँ मैं कॉन्टोरिंग के लिए एक एंगुलर ब्रश लेके और सेम पैलेट लेके
लिपस्टिक शेड के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी थोड़ा सा डार्क कलर, जो कि है स्टे क्वालिटी की नो इट्स स्पाइसी गर्ल 14 शेड ऑफ स्पाइसी गर्ल लिप 14।